पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम आईए रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम देख चुके हैं आईए रिचर्ड्स का एक अन्य सिद्धांत, वह है मूल्य सिद्धांत। तो आइए आज हम देखते हैं आईए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत क्या है। संप्रेषण से तात्पर्य होता है कम्युनिकेशन। तो यह जो आईए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत है, यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र या पाश्चात्य काव्य सिद्धांत से संबंध रखता है। आईए रिचर्ड्स 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली अंग्रेजी आलोचकों में से हैं। रिचर्ड्स की आलोचनात्मक कृतियों में प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, साइंस एंड पोएट्री 1925 में प्रकाशित हुई थी, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म 1929 में प्रकाशित हुई थी, और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन और द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, ये 1936 में ये ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। रिचर्ड्स साहित्य से पूर्व मनोविज्ञान एवं अर्थविज्ञान के क्षेत्रों में भी कार्यरत रह चुके हैं। तो आइए, रिचर्ड्स पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, फिर अर्थशास्त्र के या अर्थविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे थे। अतः उन्होंने मनोविज्ञान एवं अर्थविज्ञान को भी साहित्य में कार्यान्वित किया। तो इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, इनके जो विचार हैं, इनके जो दृष्टिकोण है, इसमें मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र या अर्थविज्ञान दोनों का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। साहित्य आलोचना को रिचर्ड्स की सबसे महत्वपूर्ण देन संप्रेषण सिद्धांत है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनके दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, आईए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं और इसे आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका मैंने नीचे लिंक भी दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर देख लें। दूसरा सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत, अ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा आप जानते हैं, कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण का तात्पर्य है अपनी भावनाओं अथवा विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचा देना। तो सार्थक संप्रेषण वही कहा जाता है जब किसी कवि अथवा लेखक अथवा किसी वक्ता के विचार श्रोताओं तक, दर्शकों तक भली भांति पहुंच जाता है, जैसा वह संप्रेषित करना चाहता है, जैसा वह कम्युनिकेट करना चाहता है। अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाना मानव के लोक व्यवहार का अभिन्न अंग है। सामान्य जन भी अपनी भावनाओं का संप्रेषण करते हैं और कलाकार भी। मतलब समाज में जब हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक संप्रेषित करना। यह हमारे लोक व्यवहार, आम जिंदगी का हिस्सा है। तो आम आदमी भी अपनी भावनाओं को संप्रेषित करता है, दूसरों तक पहुंचाता है, और कलाकार भी संप्रेषित करता है। प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, राग, द्वेष आदि पारस्परिक संप्रेषण के प्रतिफल है। राग द्वेष का तात्पर्य प्रेम और ईर्ष्या। तो जितनी भी हमारी भावनाएं हैं, जब हम पारस्परिक संप्रेषण करते हैं अपनी भावनाओं को, विचारों को, तो विभिन्न प्रकार की भावनाएं भी संप्रेषित होती हैं। यह उसी का प्रतिफल है। कलाकार और जनसाधारण की अनुभूति में काफी अंतर नहीं होता, लेकिन यह अंतर अनुभूति की अभिव्यक्ति में होता है। मतलब एक आम आदमी और एक कलाकार, दोनों की अनुभूतियां समान हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन दोनों में अंतर कहां पर होता है? जो कलाकार होता है, जो कवि या लेखक होता है, वह अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित कर सकता है, दूसरों तक पहुंचा सकता है, उनको अभिव्यक्ति प्रदान कर सकता है। अपने प्रभावी अभिनय और अभिव्यंजना के द्वारा यह काम सक्षम कलाकार द्वारा संभव होता है। जैसे हम नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो उसके जो कलाकार होते हैं, तो वे विभिन्न पात्रों, विभिन्न किरदारों का अभिनय करते हैं, और उस किरदार की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनको लोगों तक, दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाने में वे सफल हो जाते हैं। जो कलाकार होते हैं, वे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो यह उनके प्रभावी अभिनय के द्वारा संभव होता है। वे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने की जो उनका उनमें जो क्षमता होती है, उसके माध्यम से अपने अभिनय के द्वारा, प्रभावशाली अभिनय के द्वारा, जो पात्र है, इसके फीलिंग्स और इमोशंस को दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो यह सक्षम कलाकार के द्वारा संभव होता है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण अनुभूति का यथावत अंतरण नहीं है, और न ही दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादाद, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों में अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। रिचर्ड्स का कहना यह है कि कवि या लेखक या कलाकार के जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो यथावत संप्रेषित नहीं होती, और न ही जैसा कवि या लेखक के मन में जो विचार या भावना उत्पन्न हुई है, वह पाठक या दर्शक के मन में भी उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में दो व्यक्तियों की अनुभूति में समानता होती है।
दो व्यक्ति जो फील करते हैं उनमें समानता हो सकती है। तो संप्रेषण का तात्पर्य यह नहीं कि आपके पास 10 रुपए का नोट है, आप किसी दूसरे को 10 रुपए का नोट दे दिए तो 10 रुपए यथावत दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया। संप्रेषण वास्तव में ऐसा नहीं, बल्कि किसी विशेष परिस्थिति में दो व्यक्तियों की अनुभूति में जो समानता होती है, दो व्यक्ति एक जैसा फील करते हैं, एक जैसा महसूस करते हैं, यह होता है संप्रेषण। तो इसको आप ध्यान में रखिए, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। स्वर्गीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है, वह तोड़ती पत्थर, उसके माध्यम से इस जो सेंटेंस जो वाक्य हमने अभी देखा है उसको मैं आगे व्याख्या करूंगा, इसको आप देखते रहिए। रिचर्ड ने कला माध्यमों के संप्रेषण पर विचार किया है। कला माध्यम मतलब जो फिल्म है, नाटक है, साहित्य है, मतलब कला के जितने भी माध्यम, चित्रकला है, मूर्तिकला है, उनके अनुसार संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है। मतलब जो कला है, कला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण होता है। उसका मुख्य तत्व क्या होता है किसी भी कला का? चाहे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, कोई कवि कविता लिखता है, कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण करना, विचारों को, भावनाओं को विभिन्न माध्यमों से संप्रेषण करना। तो यह उनका मुख्य तात्विक धर्म है। प्रभावी अभिव्यंजना ही संप्रेषण है और संप्रेषण में समर्थ व्यक्ति कलाकार है। प्रभावी अभिव्यंजन मतलब प्रभावशाली अभिव्यक्ति, प्रभावशाली अभिव्यक्ति ही संप्रेषण है। और संप्रेषण को संप्रेषण करने में जो समर्थ व्यक्ति होता है उसे हम कलाकार कहते हैं। सार्थक और सचेतन अनुभूतियां ही अभिव्यक्त होकर संप्रेषण का विषय बन जाती है। मतलब वे अनुभूतियां जिसको हम बहुत गहराई से महसूस करते हैं, जो सार्थक होती हैं, वे ही जब अभिव्यक्ति, जब कोई कलाकार उनको अभिव्यक्त कर देता है तो वह संप्रेषण का विषय बन जाती है। संप्रेषण का सर्वाधिक उपयोग कला में होता है। मतलब संप्रेषण जो है उसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? कला होता है। मूर्तिकला, चित्रकला, कविता, नाटक, गद्य पद्य, कहानी, उपन्यास या फिर फिल्म, नाटक, तो एक कला में होता है। रिचर्ड्स के अनुसार कलाएं हमारी संप्रेषणात्मक क्रिया के उत्कृष्टतम रूप हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने लिखा है, विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं वे कलाएं क्या होती है? हमारी जो संप्रेषणात्मक क्रिया, हमारी जो अभिव्यक्ति क्षमता है, जो संप्रेषण की क्षमता है, उसके उत्कृष्ट रूप होते हैं। किसी कलाकार की प्रतिभा की कसौटी संप्रेषण ही है। हम किस कलाकार को बहुत ही प्रतिभाशाली मानते हैं? जो संप्रेषण में सक्षम होता है, समर्थ होता है, उसे हम कहते हैं वह बहुत ही प्रतिभाशाली है। संप्रेषण किसी कलाकार का मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी कलाकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण करना, कम्युनिकेट करना, दर्शकों के साथ संवाद स्थापित करना, ताकि वे जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, वह दर्शकों तक पहुंच जाए। कवि, नाटककार, मूर्तिकार, चित्रकार, सभी कलाकारों की यही कोशिश होती है कि उनके अनुभव उसकी कला में ढलकर संप्रेषित हो जाए। तो जो कवि है, जो नाटककार है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, उन्होंने जो अनुभव किया वह उस अनुभव को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? कला है। चाहे चित्रकला है, चाहे मूर्तिकला है, चाहे नाटक है, चाहे फिल्म है, चाहे गद्य है, चाहे पद्य है, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये उनकी कला के मूर्त रूप है। तो इस कला के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को संप्रेषित करना चाहता है, कला में ढालकर अपनी भावनाओं को पहुंचाना चाहता है। कुशल एवं अनुभवी कलाकार अपने अनुभव एवं विचारों को अपनी कृति के माध्यम से प्रेषणी बनाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब कलाकार सरहृदय तक पहुंच जाता है। तो जब भी जो कुशल और अनुभवी कलाकार होते हैं वे क्या करते हैं? अपने अनुभव को, अपने विचारों को अपनी कला के माध्यम से दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचा देते हैं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया कब पूरी होती है? जब कलाकार की जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जिनको वह अभिव्यक्त करना चाहता है, वह सहृदय सामाजिक तक, सहृदय सामाजिक मतलब आम जनता, जो पाठक है, जो दर्शक है, उन तक जब किसी कलाकार की भावनाएं या उसके फीलिंग्स और इमोशंस वहां तक पहुंच जाते हैं, उसको दिल को छू लेते हैं, तब यह संप्रेषण सार्थक हो जाता है, संप्रेषण सफल हो जाता है। यहां ध्यान रखना है आपको, ध्यातव्य है कि संप्रेषण की प्रक्रिया सायास या सचेतन नहीं है। कलाकार की अचेतन में विद्यमान संप्रेषणीयता का भाव एक सहज मानसिक प्रक्रिया है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया वहां घटित होती है जहां अलग अलग व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता पाई जाती है। लेकिन आइए, रिचर्ड्स का यह मानना है कि अपनी कला को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए
किसी कलाकार को, किसी कवि को या फिर नाटककार को सचेत रहकर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। इसके लिए से कोई विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए कि मुझे बहुत चौकन्ना रहकर मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि मेरे जो विचार हैं, मेरी जो भावनाएं हैं वे लोगों तक पहुंचे। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत जी तोड़ प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि सहज और मानसिक प्रक्रिया है। तो रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया कब घटित होती है? जब कोई कलाकार या नाटककार या कवि या लेखक बहुत ही तन्मय होकर, बहुत ही गहराई से डूबकर, अपनी कला में डूबकर जब वह काम करता है, तब वह स्वाभाविक रूप से उसकी जो कला है वह मूर्त रूप लेती है और उसके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, जो उसके विचार हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए उसको इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया कब घटित होती है? जब विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता पाई जाती है। वे आगे लिखते हैं कि जब एक मन अपने परिवेश के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो दूसरा मन उससे प्रभावित होता है और कुछ दूसरे मन में ऐसी अनुभूति उत्पन्न होती है जो प्रथम अनुभूति के समान और अंशतः उसके कारण उत्पन्न होती है। रिचर्ड संप्रेषण का संबंध भाव और अनुभूति से जोड़ते हैं। पाठक के मन में निष्पन्न वृत्तियों अर्थात उत्पन्न भावनाओं के संतुलन और सामंजस्य में संप्रेषण का मूल्य निहित है। कला द्वारा संप्रेषित अनुभूति को रिचर्ड्स सामान्यकृत अनुभूति कहते हैं। जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं आप, जैसे कि एक व्यक्ति के मन में अपने परिवेश के कारण जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं और वह कुछ क्रिया करता है और उस क्रिया का प्रभाव के कारण दूसरे व्यक्ति के मन में भी वैसी अनुभूतियां जन्म लेती है जैसा कि उस क्रिया करने वाले व्यक्ति के मन में जो भावनाएं जन्म ली। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। स्वर्गीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक दिन इलाहाबाद में कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला है, जो श्रमिक महिला है, वह पत्थर तोड़ रही है कड़ी दोपहर में। वहां पर कोई पेड़ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ओपन स्पेस है, वहां पर वह पत्थर तोड़ रही है, पसीने से लथपथ है। तो उसको देखकर उनके हृदय में करुणा का भाव जन्म लेता है और वो क्रिया करते हैं। क्या क्रिया करते हैं? कविता लिखते हैं। तो वो लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर। तो उनके मन में जो करुणा के भाव जो जागृत हुए उस समय, उसको देखकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने एक कविता लिखी और उस कविता को पढ़कर या फिर सुनकर पाठक अथवा श्रोता के मन में भी उस श्रमिक महिला के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है, तब यह प्रेषणीयता है। तो वास्तव में सबसे पहले निराला जी ने उस महिला को देखा, श्रमिक महिला को, उनके मन में करुणा का भाव जागृत हुआ, उन्होंने कविता लिखा और उस कविता को पढ़कर या सुनकर जो श्रोता हैं अथवा पाठक हैं उनके मन में भी श्रमिक महिला के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है, तब यही प्रेषणीयता है, यही कम्युनिकेशन है। अब रिचर्ड्स कहते हैं संप्रेषण का संबंध हमारी भावनाएं और अनुभूति से है, जो हम अनुभव करते हैं। तो पाठक के मन में जो उत्पन्न भावनाएं हैं उनमें संतुलन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, इसी में संप्रेषण का मूल्य निहित है। कला द्वारा संप्रेषित अनुभूति को रिचर्ड्स सामान्यकृत अनुभूति कहते हैं। तो कला के द्वारा जो अनुभूति जो जन्म लेती है, कला के माध्यम से जो अनुभूति जन्म लेती है, जो अनुभव जन्म, जो भावनाएं जन्म लेती है, उसे रिचर्ड्स सामान्यकृत अनुभूति कहते हैं। क्योंकि जैसे निराला की जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, उसको जितने भी पाठक पढ़ेंगे या फिर जितने भी श्रोता उस कविता को सुनेंगे तो उनके मन में लगभग एक जैसे भाव, करुणा जैसे भाव जन्म लेंगे। तो यह क्या है, फीलिंग्स का जनरलाइजेशन हो गया, जो भावनाएं हैं वे सामान्य हो गई, सभी व्यक्तियों के मन में करुणा के भाव जागृत हो गए। तो इसीलिए रिचर्ड्स इसे क्या कहते हैं, सामान्यकृत अनुभूति कहते हैं। यह सही है कि वस्तुओं एवं घटनाओं का अनुभव सभी को होता है, लेकिन अपने विशिष्ट गुणों के कारण कलाकार अथवा एक कवि उसे अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम होता है। इस प्रकार सफल संप्रेषण कलाकार का आवश्यक गुण है। जैसे स्वर्गीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पहले बहुत से लोग उस जगह से गुजरे होंगे, उन्होंने उस श्रमिक महिला को देखा होगा, उस मजदूर महिला को देखा हो, भले उनके मन में फीलिंग्स और इमोशंस पैदा तो हुए होंगे लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सभी ने कविता नहीं लिखी, वो चले गए देखकर, उसको इग्नोर कर चले गए, उपेक्षा कर। तो इसलिए जो सक्षम कलाकार होते हैं, है ना, जो समर्थ कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वे ही उसे अभिव्यक्ति प्रदान करने में सफल हो पाते हैं। इस प्रकार सफल संप्रेषण होता है वह कलाकार का अनिवार्य गुण होता है। कलाकार के पास विशद या निर्मल मूल्यवान सौंदर्य अनुभव होते हैं, मतलब अ ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें सुंदर है,
लेकिन कोई उनको देखकर कविता नहीं लिखता, कोई कहानी या उपन्यास नहीं लिखता उन चीजों को देखकर, लेकिन जो कवि या लेखक है उन चीजों में उन्हें विशेष सौंदर्य की अनुभूति होती है और उसे अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। उनका सौंदर्य अनुभव आम आदमी से अलग होता है। रिचर्ड्स के अनुसार कवि अनुभूति के विविध तत्वों में संबंध स्थापित करने में अधिक सफल और स्वतंत्र होता है। रिचर्ड्स के अनुसार जो कवि होते हैं वे जो सौंदर्य अथवा अनुभूति जो अनुभव है उसके विभिन्न तत्व हैं उनमें संबंध स्थापित करने में अधिक सफल और स्वतंत्र होता है, मतलब अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में वह अधिक सफल होता है, स्वतंत्र होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में लिखा है इन्होंने। रिचर्ड्स संप्रेषण के लिए कलाकार में के लिए कवि या कलाकार में जागरूक निरीक्षण शक्ति का होना आवश्यक मानते हैं। मतलब सफल संप्रेषण के लिए क्या जरूरी है, कोई कवि या कलाकार है उसमें निरीक्षण शक्ति, निरीक्षण मतलब चीजों को देखने उन्हें महसूस करने की क्षमता। जैसे निराला जी ने देखा उस श्रमिक महिला को, बहुत गहराई से देखा, उसमें निरीक्षण शक्ति थी कि वहां पर कोई पेड़ नहीं है, वह एकदम दोपहरी में कड़ी दोपहरी में वहां पर मेहनत कर रही है, पसीने से लथपथ है। दूसरों ने उसकी उपेक्षा कर दिया लेकिन उन्होंने देखा, तो जागरूक थे वे, उनकी निरीक्षण शक्ति जागरूक निरीक्षण शक्ति है। सफल संप्रेषण के लिए कवि के पास अतीत का अनुभव और साधारणता का गुण भी होना चाहिए। अब केवल निरीक्षण शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उनके पास अतीत के अनुभव भी होने चाहिए। तो निराले जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, सरोज स्मृति कविता उन्होंने लिखा हुआ है, राम की शक्ति पूजा भी उन्होंने लिखा है, जीवन भर वो संघर्ष करते रहे, तो उस महिला के संघर्ष को उन्होंने अपने अतीत के अनुभव से भी जोड़ा। और साधारणता का भी गुण भी होना चाहिए, मतलब असाधारण होते हुए भी वो साधारण थे, इतने महान कवि थे लेकिन उन्होंने एक जिसको उपेक्षा करने योग्य चीजों के ऊपर भी उन्होंने कविता लिखी, तो साधारणता का भी गुण भी होना चाहिए। संप्रेषण के दो पहलू हैं, एक तरफ जहां कलाकार में प्रभावशाली अभिव्यंजना जरूरी है, वहीं भावक या पाठक में विशिष्ट ग्राहिका शक्ति सफल संप्रेषण के लिए अनिवार्य शर्त है। तो संप्रेषण कब सफल होता है, संप्रेषण के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो जो कलाकार है वो प्रभावशाली अभिव्यक्ति कर सके। जैसे जो कलाकार जो जैसे कोई एक कलाकार है जो फिल्म में एक्टिंग कर रहा है तो उसकी जो भूमिका है, जिस पात्र या जिस किरदार का वह एक्टिंग कर रहा है उसके भावनाओं को वह प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सके। तो कोई भी कलाकार प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करे, यह जरूरी है। और दूसरा जो भावक या पाठक है, मतलब जो श्रोता या दर्शक है, वह विशिष्ट ग्राहिका शक्ति होना चाहिए कि कलाकार ने जो अभिव्यक्ति दी उसको वह ग्रहण कर सके, उसको महसूस कर सके, कलाकार के मन में जो फीलिंग्स है जो इमोशंस है उसको ग्रहण करने की क्षमता दर्शक या पाठक में भी होना है। मतलब संप्रेषण तब सफल माना जाएगा कि कलाकार ने जो अभिव्यक्त किया वह दर्शक या श्रोता तक लगभग उसी रूप में पहुंच गया। यदि कलाकार दुखी है तो श्रोता या दर्शक भी दुखी है, यदि वह खुश है तो श्रोता या दर्शक के मन में भी खुशी महसूस होनी चाहिए, तब यह। कृति के वस्तु तत्व क्या होता है, कंटेंट, कृति का जो कंटेंट होता है कोई भी कृति हो, के प्रभावशाली होने के साथ साथ संप्रेषण के सहायक तत्व के रूप में लय, छंद, रूपरेखा आदि जरूरी है। तो यहां पर मुख्य रूप से कविता की बात हो रही है कि कोई भी कृति है कोई भी कविता है केवल उसका कंटेंट ही प्रभावशाली नहीं होना चाहिए, कंटेंट तो प्रभावशाली होना आवश्यक है लेकिन उसके साथ साथ सफल संप्रेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, लय, छंद, रूपरेखा आदि चीजें भी बहुत जरूरी होती है। काव्य भाषा में रूपक, रूपक मतलब होता है मेटाफोर, एक अर्थ अलंकार का एक भेद जिसमें समानता के आधार पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है, तो एक अलंकार है। तो रूपक अलंकार को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं रिचर्ड्स, काव्य भाषा में रूपक अलंकार को अर्थालंकार है। उन्होंने रूपक को लाक्षणिकता, लक्षणा शक्ति पर आधारित होता है जो के पर्याय के रूप में देखा, तो उन्होंने जो रूपक अलंकार है उसको जो तीन शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा मतलब जो हम बोलते हैं तुरंत समझ जाते हैं, लक्षणा मतलब किसी अन्य वस्तु के माध्यम से किसी अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं, वह लक्षणा है। तो लक्षणा शक्ति का पर्याय के रूप में देखा है। लाक्षणिक भाषा, मेटाफोरिकल लैंग्वेज, कविता में सीधे साधे बातों में हम अपनी बात नहीं रखते, कविता में कविता की भाषा जो है लाक्षणिक होती है। आम बोलचाल में हम अभिधा परक भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन कविता में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो लाक्षणिक भाषा के द्वारा कवि सूक्ष्मति सूक्ष्म अनुभूतियों को प्रकट करने में समर्थ होता है तथा कई बार विरोधी वस्तु में सामंजस्य ला सकता है।
अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा लाक्षणिक भाषा का विलक्षण प्रयोग कभी कर सकता है। तो लाक्षणिक भाषा जैसे निराला जी की कविता है कुकुर मुत्ता, अबे सुनबे गुलाब गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो पूंजीपतियों को कुकुर मुत्ता के माध्यम से वो क्या कर, गुलाब के माध्यम से वह पूंजीपतियों की भर्त्सना करते हैं। तो यह है लाक्षणिक भाषा, और डायरेक्ट पूंजीपतियों को नहीं बोल रहे हैं। और कुकुर मुत्ता किसका प्रतीक है? श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। तो कुकुर मुत्ता कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी निराला जी की, अबे सुनबे गुलाब घर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो यह लाक्षणिक भाषा है। तो अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा जो कवि निराला है उन्होंने गुलाब को पूंजीपतियों का प्रतीक बना दिया है, और जो कुकुर मुत्ता है कुकुर मुत्ता का उन्होंने श्रमिक वर्ग का सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बना दिया है। तो यह लाक्षणिक भाषा है। तो भाषा का ऐसा विलक्षण प्रयोग सिर्फ कवि कर सकता है। रिचर्ड ने संप्रेषण को अचेतन प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, जबकि कई आलोचकों का यह मानना है कि सृजन एक जटिल प्रक्रिया है। तो रिचर्ड्स क्या कहते हैं, जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, वह स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके लिए किसी कवि या लेखक को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि आलोचक इससे सहमत नहीं है। आलोचकों का यह कहना है कि जो सृजन है, जो कोई सर्जना करता है कोई कवि या लेखक, तो यह सचेत रहकर करने की क्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। इसमें विषय चयन से लेकर सृजन की परिणति तक सचेतन लेखक की प्रतिभा सक्रिय रहती है। मतलब किस विषय पर कविता या लेख लिखना है, उसमें किन तत्वों का प्रयोग करना है, तो इसमें उसकी प्रतिभा हमेशा सचेत रहती है। मतलब यह अचेतन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, सचेत रहकर प्रयास करने के माध्यम, प्रयास करना पड़ता है उसके लिए विशेष, लेखक या कवि को। एक अच्छा सृजन के लिए कवि या लेखक को सचेतन प्रयास करना पड़ता है। विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु क्या लेना है, कंटेंट क्या होगा, उसकी प्रस्तुति कैसे प्रस्तुत करना है, अलंकार योजना क्या होगी, इत्यादि अनायास घटित होने वाली घटनाएं नहीं है, बल्कि इनके लिए कवि या लेखक को प्रयास करना पड़ता है। शब्द चयन, किन शब्दों का प्रयोग करना, चयन करना है, बिंब विधान, बिंब का निर्माण कैसे करना है आदि को अचेतन प्रक्रिया का हिस्सा मानना उचित नहीं है। मतलब यह उससे सहमत नहीं है। टीएस इलियट ने लिखा है कि संभवतः किसी कृति के सृजन में कृतिकार के श्रम का अधिक हिस्सा आलोचनात्मक श्रम का होता है। मतलब कोई कृतिकार जब किसी कृति का निर्माण करता है तो वह आलोचनात्मक रूप से करता है, वह उसके गुण दोष को देखता है कि दोष कम से कम रहे और गुण अधिक से अधिक रहे, छांटने मिलाने संरचना देने काटने सुधारने जांचने का बहुत ही परेशान कर देने वाला श्रम जितना आलोचनात्मक होता है उतना ही रचनात्मक। मतलब जो भी कोई कवि या लेखक जब किसी कृति की रचना करता है तो वह स्वयं की आलोचना भी करता है, आलोचनात्मक तरीके से देखता है कि मेरी कृति में कम से कम दोष हो और गुण अधिक से अधिक हो। तो इसी कारण वह बहुत सारी चीजों को काटता छाटता है, शब्दों को बदलता है, नए नए बिंब बनाता है। तो यह दोनों प्रकार का श्रम होता है, आलोचनात्मक श्रम भी करना पड़ता है और रचनात्मक श्रम भी करना पड़ता है। अब जो संप्रेषण सिद्धांत है उसको भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण से इसकी तुलना की जाती है। तो कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि साधारणीकरण और संप्रेषण सिद्धांत में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, यह आपको जानना जरूरी है। तो भारतीय काव्य शास्त्र का साधारणीकरण के सिद्धांत से आप परिचित हैं कि जब किसी कवि या लेखक कि जो हृदय की जो भावनाएं हैं उनका साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकरण होने से तात्पर्य है किसी कवि या लेखक के मन में जो भावनाएं हैं वही भावनाएं सहृदय सामाजिक, मतलब जो पाठक हैं, जो आम जनता है, जो आम श्रोता है, उन तक कवि या लेखक की भावनाएं उसी रूप में पहुंच जाती हैं। तो इसे कहा जाता है साधारणीकरण। तो जैसे भगवान राम वन की ओर जा रहे हैं, उनके 14 वर्ष के वनवास के लिए जब वो जा रहे हैं तो उसका जब उल्लेख तुलसीदास जी ने किया है तो जो शोक का दुख का वातावरण निर्मित होता है, उनके पिता भी दुखी हैं, तो उसी तरह के जो दुख का वातावरण है, जो रामचरितमानस को पढ़ने वाले जो श्रोता हैं या सुनने पढ़ने वाले जो पाठक हैं या श्रोता हैं उनके मन में भी करुणा की भावना जागृत होती है। तो यह साधारणीकरण है। तो आइए देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति मतलब रस की उत्पत्ति की प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। रस तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। तो रस की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? साधारणीकरण। साधारणीकरण की प्रक्रिया भाव मतलब भावना या विचार के योग से उत्पन्न होती है। मतलब विभिन्न प्रकार की भावनाएं जब मिल जाती हैं तब क्या हो जाता है? साधारणीकरण की प्रक्रिया जन्म लेती। साधारणीकरण के कारण
रस की निष्पत्ति हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन अर्थात भाव का आधार हो, तब तक उसमें रसोद्बोधन अर्थात रस जागृत करने की पूर्ण शक्ति नहीं आती। मतलब यह क्या करना है, जब तक कोई कवि अथवा लेखक अपनी भावनाओं को इस प्रकार संप्रेषित नहीं करता, इस प्रकार अभिव्यक्त नहीं करता कि सभी लोगों के मन में वही भावनाएं जन्म ले, तब तक रस जागृत नहीं होता। मतलब कवि या लेखक ने कुछ लिख दिया तो जिस आधार पर उन्होंने, जिस भावना के आधार पर उन्होंने उस बात को लिखी है, वही भावनाएं दर्शकों अथवा श्रोताओं के मन में भी वही भावनाएं जागृत होनी चाहिए, तभी क्या है रस उत्पन्न होगा, रस जागृत होगा। इस रूप में लाया जाना हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, साधारणीकरण कहा जाता है। चिंतामणि भागे, इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि भागे, इन्होंने लिखा है कवि की अनुभूति एवं सामान्य व्यक्ति की अनुभूति में अंतर है। सामान्य व्यक्ति की अनुभूति राग द्वेष मतलब प्रेम और ईर्ष्या से युक्त रहती है, लेकिन कवि अपनी अनुभूति को संप्रेषणीय बनाने के लिए उसे लोक सामान्य की भावभूमि पर ले आता है। मतलब एक आम आदमी की अनुभूति और कवि की अनुभूति में अंतर तो होता है, क्योंकि जो साधारण आदमी है उसके मन में राग द्वेष होते हैं, प्रेम और ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा होती है, वह तटस्थ नहीं रह पाता। लेकिन जो कवि या लेखक है वह अपनी अभिव्यंजना शक्ति के द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी भावनाओं को आम जनता की भावनाएं बना देता है। मतलब उसके मन में जो विचार है, जो भावनाएं हैं, वह अपनी भावनाओं को पाठकों या दर्शकों तक इस तरह संप्रेषित कर देता है कि वही भावनाएं वही विचार आम लोगों के मन में उत्पन्न हो जाता है, उसे वह लोक सामान्य की भावभूमि पर ले आता है, इसे ही साधारणीकरण कहा जाता है। यह होता है संप्रेषण के माध्यम से। रिचर्ड्स बताते हैं कि संप्रेषण वह स्थिति है जहां विभिन्न मस्तिष्कों में कमोवेश एक जैसी अनुभूति का जन्म हो। वे कला द्वारा प्रेषित अनुभूति को सामान्यीकृत अनुभूति कहते हैं। संप्रेषण के सामने निर्वाह के लिए लेखक की मानसिकता और पाठक की मानसिकता में एक रूपता आवश्यक है। तो रिचर्ड्स क्या कहते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूति में जो समानता पाई जाती है उसे ही संप्रेषण कहते हैं। लेकिन यहां पर उनका कहना यह है कि संप्रेषण के निर्वाह के लिए, एक सफल संप्रेषण के लिए लेखक की मानसिकता और पाठक की मानसिकता लगभग एक जैसी होनी चाहिए, तभी यह संभव हो पाता है। रिचर्ड्स का क्या कहना है, रिचर्ड्स ने बताया कि मानव मन में प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दोनों आवेग पाए जाते हैं। रिचर्ड्स बताया कि मनुष्य के मन में पॉजिटिव फीलिंग्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स दोनों प्रकार के आवेग पाए जाते हैं, इंपल्सेस पाए जाते हैं। कविता या कला के लिए प्रवृत्ति मूलक आवेगों का महत्व है, तो किसी कविता या कला के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रवृत्ति मूलक आवेग इंपल्सेस पॉजिटिव इंपल्सेस वे आवेग अधिक महत्वपूर्ण है जो दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना अपना विकास करते हैं। मानव मन की सर्वोत्तम स्थिति वह है जिसमें मानसिक क्रियाएं बेहतरीन संगति में होती हैं तथा आवेगों में संघर्ष और विघटन कम होता है। कविता और कला के अन्य रूप आवेगों के बीच ऐसा संतुलन स्थापित करते हैं जिससे हमारी अनुभूतियों एवं संवेदनाओं को व्यापकता मिलती है। मतलब हमारे मन में जो आवेग या जो भावनाएं या विचार जन्म लेते हैं, जो इंपल्स जन्म लेते हैं, वे कैसे होने चाहिए, वे दूसरे जो निगेटिव हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, है ना, उनको कम से कम, मतलब जो दूसरी भावनाएं हैं हमारे मन में, किसी भी प्रकार की जो दूसरी भावनाएं हैं उनको कम क्षति पहुंचाएं, कम नुकसान करें, और हमारे मन में जितने भी फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, एक समान अनुपात में होना चाहिए। जैसे किसी के घर में कोई बच्चा है बहुत, अब उस बच्चे को आप ना तो अधिक डांट सकते और ना ही बहुत ज्यादा प्यार कर सकते। मतलब हर उम्र की अलग अलग आवश्यकताएं होती है, कोई छोटा बच्चा है तो उसको अलग प्रकार से ट्रीट करते हैं, कोई थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको अलग प्रकार से हम ट्रीट करते हैं। मतलब वैसे हमारे जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनमें क्या होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, क्योंकि जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। तो कविता और कला का मुख्य काम क्या है, हमारे जो आवेग हैं, जो हमारे इम्पल्सेस हैं, जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उनमें संतुलन स्थापित करना कविता अथवा कला का काम है, और जिससे हमारी अनुभूतियों को, हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को, हमारी संवेदनाओं को क्या मिलता है, व्यापकता मिलती है किसी कृति को पढ़कर या सुनकर या देखकर। तो आवेगों के लिए एक साझा भावभूमि तैयार होती है जिससे मानव मानव के बीच संवेदनात्मक एकत्व स्थापित होता है। यह प्रक्रिया भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित साधारणीकरण की तरह है। मतलब कला अथवा काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमारी संवेदनाएं हैं उसमें एक रूपता स्थापित करना, तादात्म्य स्थापित करना। मतलब कवि या लेखक के जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं हम तक इस तरह पहुंच जाएं कि हमारे मन में जो आवेग हैं उनमें संतुलन स्थापित हो जाए,
और इसे क्या कहा जाता है भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहा जाता है। लेकिन अंतर यह है कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्यासाद के साधारणीकरण को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है, लेकिन रिचर्ड्स का सिद्धांत यह लौकिक या सांसारिक है, इसलिए उन्होंने इस अनुभूति को लोकोत्तर असाधारण अथवा विलक्षण मानने से इंकार किया। वे कलात्मक अनुभूति को मानवीय अनुभूति मानते थे, इसमें साधारणत्व अर्थात नॉर्मलिटी को विशेष महत्व देते थे। लेकिन जो भारतीय काव्य शास्त्र में है, जो काव्य का आस्वादन है, काव्य का जो हम रस प्राप्त करते हैं काव्य को पढ़कर सुनकर, तो जब यह साधारणीकरण हो जाता है, मतलब काव्य को पढ़कर हमें जो आनंद प्राप्त होता है, जो रस प्राप्त होता है, इसे ब्रह्मानंद के समान माना गया है, लोकोत्तर माना गया है। मतलब किसी कविता को पढ़कर सुनकर जो रस प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वह ब्रह्मानंद परमानंद की तरह है। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन रिचर्ड्स का क्या कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि रस को, मतलब किसी कवि या लेखक की अनुभूति को महसूस करना कोई लोकोत्तर चीज नहीं है, यह इसी सांसारिक चीज है, मतलब सामान्य सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। तो वे क्या कहते हैं, कलात्मक अनुभूति, कला की जो अनुभूति है वह साधारण अनुभूति है, इसमें कोई विलक्षण बात नहीं है, यह साधारण बात है। तो जो भारतीय काव्य सिद्धांत क्या कहता है, साधारणीकरण क्या होता है, पारलौकिक होता है, इस लोक से अलग का होता है, विलक्षण होता है, अद्भुत होता है, ब्रह्मानंद होता है, परमानंद होता है। लेकिन रिचर्ड्स क्या कहते हैं कि यह कोई विशेष बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, साधारण है, इसी संसार की बात है। साधारणीकरण और संप्रेषण सिद्धांत दोनों का उद्देश्य क्या है, कला या कविता का पाठक तक संप्रेषण है, इसलिए साधारणीकरण और संप्रेषण सिद्धांत में काफी निकटता है, क्योंकि साधारणीकरण का सिद्धांत है या फिर संप्रेषण सिद्धांत है, दोनों का मुख्य उद्देश्य है किसी कवि या लेखक की भावनाओं अथवा विचारों को आम पाठक तक, श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाना। इसलिए जो संप्रेषण सिद्धांत है भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण सिद्धांत के बहुत ही निकट है। दोनों का संबंध कलात्मक भाव या अनुभूति से है, दोनों का संबंध किसी कलाकार की भावना या अनुभूति से है, दोनों का आधार कवि या कलाकार की रचनात्मक अनुभूतियों का पाठक या भावक में प्रसार है। चाहे भारतीय काव्य शास्त्र का साधारणीकरण हो, चाहे आई ए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत हो, दोनों का संबंध किससे है, जो कलाकार की रचनात्मक अनुभूति है, जो क्रिएटिव फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेट करना, तो दोनों एक जैसे लगभग। अब दोनों जगह अनुभूतियां व्यक्तिगत स्वार्थ बंधनों से मुक्त होकर जन सामान्य की भावभूमि पर प्रतिष्ठित होती हैं। मतलब दोनों ही जगह में जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनमें कोई स्वार्थ पड़ता नहीं है, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कवि या लेखक का, इसलिए उसकी जो भावना या विचार है लोगों तक वैसी पहुंच जाती है, जो जन सामान्य है, जो आम जनता है, उसकी अनुभूतियों से, उसके विचारों से लाभान्वित होता है, रस ग्रहण करता है। अपरिचय की अवस्था में संवाद या संप्रेषण संभव नहीं होता, लेकिन यदि कवि या कलाकार की भाषा अलग है, उसका माध्यम अलग है, जिसको दर्शक या श्रोता समझ नहीं पा रहे हैं, तब संप्रेषण संभव नहीं होगा। रिचर्ड्स के अनुसार वैसे ये जब दो व्यक्ति में संवाद कब होता है, संप्रेषण कब होता है, जब कोई वक्ता कुछ बोल रहा है, श्रोता उस भाषा को समझ रहा है, उसके लहजे को समझ रहा है कि वक्ता क्या बोल रहा है, तभी तो संप्रेषण सफल होगा, या उसे वह कुछ प्रश्न पूछ पाएगा, या आलोचक है उसकी आलोचना कर पाएगा। तो इसलिए अपरिचय की अवस्था में संप्रेषण संभव नहीं होता। रिचर्ड्स के अनुसार आत्म को छिपा देने वाली स्वार्थ पर एकाकी वृत्तियों को विराम मिल जाता है और पाठक या सहृदय अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो जाता है। मतलब किसी कलाकृति के माध्यम से जो पाठक या श्रोता या दर्शक है, उसके मन में जो स्वार्थ की भावना होती है, जो संकुचित दृष्टिकोण होता है, वह दूर हो जाता है और उसकी जो नकारात्मक जो विचार है वो दूर हो जाते हैं, उनको विराम मिल जाता है, और इसलिए जो पाठक या सहृदय है उसका मन शांत होता है, वह अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो जाता है। यह अवस्था कुछ कुछ मुक्ति बोध की परम अभिव्यक्ति की तरह है। मुक्ति बोध इसे कहते हैं परम अभिव्यक्ति, जब उसके दुरुड़ों का शमन होता हो जाता है, नाश हो जाता है। रिचर्ड्स के सहयोगी विद्वान सी के ऑगडेन और जेम्स वुड इसे समानुभूति कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। तो सी के ऑगडेन कहता है एम्पैथी, एम्पैथी मतलब दो लोगों की भावनाओं या विचारों में समानता, इसे एम्पैथी कहा जाता है, इसे समानुभूति कहते हैं, एक जैसी अनुभूति, दो व्यक्तियों को एक जैसी अनुभूति होना। इस अवस्था के बारे में थियोडोर लिप्स ने बताया कि इसमें आत्म मतलब माई सेल्फ और वस्तु ऑब्जेक्ट के बीच विरोध का शमन हो जाता है। मतलब लोगों की जो स्वार्थ पड़ता है कि मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, सिर्फ मैं, मेरा ईगो, तो और जो ऑब्जेक्ट है, जो चीजें हैं, इनके बीच में जो विरोध होता है, इसका शमन हो जाता है।
कुछ बातों को लेकर हमारे मन में जो विरोध का भाव है, कुछ बातों को लेकर हमारे मन में जो अहंकार है, जो ईगो है, उसका नाश हो जाता है और हम सामान्य भाव भूमि पर आ जाते हैं। तो हमारे मन में जो नकारात्मक विचार है उनका शमन हो जाता है। रिचर्ड्स के अनुसार कवि की अनुभूति एवं सामान्य व्यक्ति की अनुभूति में अंतर होता है। रिचर्ड्स कहते हैं किसी व्यक्ति की अनुभूति सामान्य व्यक्ति की अनुभूति में अंतर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सामान्य व्यक्ति की अनुभूति राग द्वेष से युक्त रहती है, लेकिन कवि अपनी अनुभूतियों को सहृदय सुलभ बनाने के लिए जन सामान्य की भावभूमि पर ले आता है। मतलब जो सामान्य व्यक्ति है वो जो किस तरह से सोचता है, वह उसमें राग और द्वेष, प्रेम और ईर्ष्या होती है उसके मन में। प्रेम भी होती है, ईर्ष्या भी होती है, मतलब वह तटस्थ रहकर विचार नहीं करता। लेकिन जो कवि होता है वह अपनी अनुभूतियों को तटस्थ रहकर व्यक्त करता है, इससे उसके मन के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वे आम जनता के लिए सुलभ हो जाते हैं और उन तक भली भांति पहुंच जाते हैं। हृदय की अनुभूति को संप्रेषणी बनाने के लिए किया गया व्यापार ही साधारणीकरण है। भारतीय काव्य शास्त्र में क्या कहा जाता है कि हृदय की अनुभूति को, हृदय की जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसको लोगों के प्रति, लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक संप्रेषित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या है? साधारणीकरण है। मतलब साधारणीकरण का तात्पर्य है किसी कवि या लेखक के हृदय में जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वह आम दर्शकों तक, पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंच जाना, यह साधारणीकरण है, संप्रेषण है। यह सही है कि रिचर्ड जिसे संप्रेषण कह रहे हैं उसे ही भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहा जाता है। तो आइए, रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में उसे साधारणीकरण कहा जाता है। लेकिन रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना में भारतीय साधारणीकरण की प्रक्रिया अधिक जटिल एवं व्यापक है। हमारी जो प्रक्रिया है वह जटिल है और व्यापक है। साधारणीकरण की प्रक्रिया में आनंद का निषेध नहीं है। रिचर्ड्स के लिए सौंदर्य अनुभूति आनंद अनुभूति नहीं है। भारतीय परंपरा का आनंद पश्चिम का प्लेजर नहीं है। आनंद की अवस्था में व्यक्ति बद्ध दशा से मुक्त होकर भाव व्यापार में सक्रिय होता है। आइए, रिचर्ड्स का यह मानना है किसी कविता अथवा कलाकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लोगों को आनंद प्रदान करना नहीं हो सकता, यह एक तरफा उद्देश्य है। तो यहां पर यह भारतीय साधारणीकरण से अलग हो जाता है। लेकिन साधारणीकरण का क्या मानना है? वहां पर जो आइए रिचर्ड्स हैं, वे आनंद, वो कहते हैं कि आनंद प्रदान करना, सिर्फ लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए किसी कृति का सृजन नहीं किया जाना चाहिए। मतलब किसी कृति का मुख्य उद्देश्य लोगों को सिर्फ आनंद प्रदान करना नहीं है, मतलब वो उसका निषेध करते हैं। लेकिन भारतीय साधारणीकरण की प्रक्रिया में आनंद का निषेध नहीं है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जो आनंद है वह अंग्रेजी का प्लेजर नहीं है। प्लेजर अलग चीज है अंग्रेजी का, और भारतीय काव्य शास्त्र में जो आनंद है वह रस को महसूस करना है, मतलब ब्रह्मानंद है, वह आनंद है, वह प्लेजर नहीं है। क्योंकि प्लेजर जो होता है वह भौतिक होता है। पश्चिम का जो प्लेजर है वह सांसारिक सुख से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जो आनंद सिद्धांत है, ब्रह्मानंद है, वह क्या है? पारलौकिक है, जिसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आनंद की अवस्था में व्यक्ति बद्ध दशा से मुक्त होकर भाव व्यापार में सक्रिय होता है। तो भारतीय साधारणीकरण के अंतर्गत जब कोई भावक या दर्शक या पाठक रस दशा में पहुंच जाता है, साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसका मन मुक्त हो जाता है और वह एक अलग ही भाव दशा में पहुंच जाता है, जिसे हम ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। लेकिन जो आई ए रिचर्ड्स का कहना है कि सिर्फ प्लेजर ही उसका उद्देश्य नहीं है। तो यहां पर ये दोनों विचार थोड़े अलग हो जाते हैं। तो कुछ इसमें समानता भी है, कुछ इसमें असमानता भी है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोगों ने इसे भली भांति समझ लिया होगा। और इस लेक्चर का जो PDF है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।